नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। इस बार यूपी में फिर से 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अपर्णा यादव को फिर से कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन वो किस पार्टी की तरफ से मिलेगी ये जानना बेहद दिलचस्प है। आपको बता दें, पूरा जो मामला है कहीं देखा जाए तो अपर्णा यादव के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। अपर्णा यादव अब भारतीय जनता पार्टी में रहेंगी या फिर वहां से एग्जिट कर जाएंगी, ये बड़ा सवाल है। और माना यही जा रहा है, कयास भी यही लगाए जा रहे हैं कि अब अपर्णा यादव अब समाजवादी पार्टी का रुख कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने बहुत समय दे दिया, लेकिन उसके बाद भी अपर्णा यादव को कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से अब अपर्णा यादव सपा का रुख कर सकती है। और अखिलेश यादव की जो करहल सीट है वहां से उपचुनाव में प्रत्याशी के तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन यही बात तो निकलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लागू होती है कि अगर अपर्णा यादव को सपा की तरफ से कोई जिम्मेदारी दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ क्यों नहीं उठा सकती। भारतीय जनता पार्टी भी अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतार कर अखिलेश यादव के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है और उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा। इतने सालों से अपर्णा यादव बीजेपी में फ्री बैठी रहती है, उनको किसी भी तरीके का काम नहीं दिया जाता है, किसी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। ऐसे में अपर्णा यादव का परिवार लगातार यही चाहता है कि वो परिवार में वापसी करें, लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में अपर्णा यादव इस बार के उपचुनाव में अपने लिए स्टैंड लेती हुई नजर आएंगी। इसके पहले भी अपर्णा यादव के तमाम बयान आ चुके हैं, सपा पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं वो अपना रुख साफ करती हुई नजर आई है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें परिवार के खिलाफ किसी चुनावी मैदान में उतरती है तो वो साफ तौर से उसे इनकार करती हैं, वो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी। लेकिन वहीं अगर बात कर लिया जाए, वो ये भी नहीं कहती हैं कि आने वाले दिनों में वो सपा में शामिल नहीं होंगी, अखिलेश यादव के साथ नहीं जाएंगी, अपनी जिठानी डिम्पल यादव का साथ नहीं देंगी। वो खुले तौर पर ये बात कहती हुई भी नहीं नजर आती है। तो जो पूरे सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को सही तरीके से राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। अब अपर्णा यादव पार्टी से थोड़ी नाराज चल रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो अखिलेश यादव का रुख करें और वहां पे करहल सीट से फिर चुनाव के लिए चुनावी मैदान में उतर सकती है। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में अपर्णा यादव ऐसा कुछ करते हुए नजर आएंगी, क्योंकि अपर्णा यादव इसके पहले जितने इंटरव्यू दिया उन्होंने वहां पर बोला कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो खुश है। अगर आने वाले दिनों में पार्टी को लगता है कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए तो पार्टी देगी, और मैं अभी ऐसे काम करने से मुझे किसी भी तरीके का कोई ऐतराज नहीं है। फिलहाल आपको इस पे क्या कुछ लगता है कि अपर्णा यादव को सपा में वापसी कर लेनी चाहिए या भारतीय जनता पार्टी में रहकर अभी इंतजार करना चाहिए कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने का, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।